उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया की रसड़ा तहसील क्षेत्र में श्रीनाथ मंदिर पर मंगलवार को श्रीनाथ रोड पूजन समारोह श्रीनाथ बाबा के गगनभेदी जयकारों के साथ शाम तक सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान लाखों श्रीनाथ भक्तों द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव की अनुपम मिसाल देखने को मिली। परंपरा के मुताबिक श्रीनाथ बाबा के समकालीन सूफी संत श्री रोशन बाबा रसड़ा के दरगाह में पूरी श्रद्धा एवं भक्ति भावना से मेला कमेटी के अध्यक्ष सुनील सिंह ने विशिष्ट जनों संघ विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने भक्ति भावना से पूजा की और रोड चढ़ाया। रोड पूजा में विधायक उमा शंकर सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि वशिष्ठ नारायण सोनी, श्रीनाथ मठ रसड़ा के महंत कौशलेंद्र गिरी सहित अन्य श्रद्धालुओं संग अचला और चादर पोशी कर रोड चढ़ाया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। साथ ही रोड पूजा के दरमियान रसड़ा नगर से लेकर मंदिर तक सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और पीएससी के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात रखा गया। रोड पूजन के पश्चात रसड़ा क्षेत्र के 14 कोस लखनेश्वर के अलावा बलिया, मऊ तथा गाजीपुर जनपद सहित बिहार प्रदेश से आए हुए लाखों की संख्या में श्रीनाथ भक्त अपने अपने गांव और क्षेत्र से अपने शौर्य और एकता का प्रदर्शन करते हुए श्रीनाथ मंदिर की परिक्रमा की और प्रसाद लेकर यह काफिला पुनः अपने अपने गाँव लौट गया। यह पूजा जो लाठियों से होती है, एक जजिया कर लगा था जब मुगल शासक यहाँ आए थे, नाथ बाबा ने ही सारे लोगों को यूनाइट करके जजिया कर का विरोध किया और इन लाठियों से ही उन मुगल शासकों को यहाँ से भगा दिया। आज भी 14 कोस लखनेश्वर का कर नहीं लगता है, चाहे हिंदू मुसलमान चाहे जिस कौम के लोग हों, सारे लोग नाथ जी के जो है अनन भक्त थे और वो लोग जो है उन पर विश्वास करते थे और नाथ जी सारे लोगों के साथ लेकर के सबका जो भी उनका जो है कहीं दिक्कत परेशानी होती थी उसका विरोध करते थे। लगभग जो है 1 लाख से ऊपर ही भीड़ होती है। चांद जो है लगभग 28 तारीख से बन रहा है और 12 तारीख तक बना है। 140 कुंटल 41 कुंटल आटा रहा है और बाकी जो है चीनी 75 कुंटल और 150 टीना रिफाइन रहा है। ये लगभग लाखों लोगों को बांटा जाता है। लगभग जो है 2-3 लाख लोगों में ये प्रसाद वितरण होती है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।